अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। वीडियो में बात करूंगा आपसे आज MU MA मास कम्युनिकेशन का पेपर हो चुका है, 4 से 6 बजे तक मैंने अभी आपको आंसर की अपलोड करेंगे। 40 जो आए थे MCQ उसके मैंने आपको आंसर बता दिए सारे आंसर, ठीक है आप चेक कर लें, वहाँ पर कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है कट ऑफ कितनी रहेगी, इस वीडियो में बात करूँगा कट ऑफ के बारे में, इंटरनल एक्सटर्नल के जो सारे कैटेगरीज हैं, OBC हैं और आपका SC है, वहाँ कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आपको टाइम पर पहुँचें। तो पहले पेपर के बारे में बात कर लें। पेपर दोस्तों जो आपके 40 MCQ आए थे, मेरे ख्याल से जैसे मैंने पढ़ाया था उसमें लगभग 28 to 30 मार्क्स जो है मेरे नोट्स में से आ गया था, फिर मैंने बहुत ही कम नोट्स बताए थे उसमें से आ गया था, और बाकी मैंने वीडियोस अपनी जो दी थी ऑनलाइन करंट अफेयर की, तीन चार सवाल वहाँ से भी आ गए थे। तो मेरे हिसाब से तो वो वाला पार्ट इतना मुश्किल नहीं था, जो बच्चा पढ़ के गया होगा मेरे ख्याल से एक्सटर्नल इंटरनल का तो वो इतना वो नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत सब जानते हैं इस बारे में। बहुत ही कम बच्चे होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं इंटरनल, लेकिन आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं पढ़ते हैं। जो एक्सटर्नल बच्चा होगा अच्छे से पढ़ के गया होगा, मैं समझता हूँ वो MCQ में 24-25 नंबर का आराम से निकाल गया होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई एम जस्ट गैसिंग। और दोस्तों बाकी जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट था वो पार्ट भी बहुत मुश्किल नहीं था, पैराग्राफ आ गया था एक पैसेज, उसमें सवाल थे, वो बहुत सारे बच्चों ने शायद कर लिए होंगे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ थोड़ा मुश्किल था। जो आपके सिनोनिम एंटोनिम वाला पार्ट था वो शायद बच्चों को मुश्किल लगा होगा, लेकिन बहरहाल वो बच्चा उसमें कर सकता है। बाकी आपको मैं पठान की रिव्यू आया था और 2 सवाल आए थे आपको, मतलब आपको डेमोक्रेसी के ऊपर, तो वो ऐसा बहुत कुछ टॉपिक बड़े अलग से नहीं थे, बड़े ही कॉमन टॉपिक्स थे, और वो पठान सभी ने देखी होगी तो उस पर सब ने एक डेढ़ पेज शायद लिख दिया होगा, एक आध पेज तो लिख ही दिया होगा। 60 मार्क्स में से जो बच्चा सही लिखना जानता होगा वो, और 15 मार्क्स का आपका पैसेज, तो वो आराम से उस वाले पार्ट में, यहाँ तक मेरा ख्याल है 25 to 30 स्कोर कर जाएगा जो पढ़ने वाला बच्चा होगा और जिसको लिखना भी आता हो। दोस्तों बात करें कट ऑफ के बारे में, तो पेपर का लेवल ओवरऑल मेरे ख्याल से आसान था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कुछ जो मतलब जैसे मैंने पढ़ाया था मैं उसकी वजह से बात कर रहा हूँ, बाकी और आपने क्या पढ़ाया गया मुझे नहीं मालूम, मैं अपने हिसाब से वो पेपर मुश्किल नहीं था। कट ऑफ दोस्तों पहले बात करूँगा आपसे एक्सटर्नल के बारे में, अगर आप एक्सटर्नल हैं दोस्तों तो मेरे ख्याल से इस पेपर में एक्सटर्नल जो कट ऑफ रहने चाहिए मेरे ख्याल से वो रहना चाहिए मे बी 48 to 50, तो इससे कम तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 30 नंबर अगर बच्चा वहाँ निकालेगा तो 80 आराम से निकाल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है तो बच्चा पढ़ के जाएगा। दोस्तों अगर आप OBC हैं और आप एक्सटर्नल हैं तो कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर आपको 2 नंबर आप कम मान लें, मे बी 46 to 48, इससे कम दोस्तों मुश्किल है। और आप SC हैं जब भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कम तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, मे बी 43 to 45 तक आप स्कोर, अगर आपने स्कोर कर लिया है या 42 to 45 तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों, जहाँ तक मेरा ख्याल है। दोस्तों बात करते हैं आपसे अगर आप इंटरनल हैं दोस्तों, और तो यहाँ दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ रहे, अगर आप इंटरनल दोस्तों हैं तो इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ मे बी 43 to 45 रहना चाहिए इंटरनल के लिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा अगर जो बच्चा इंटरनल 13-14 नंबर का वो कर गया होगा आपका MCQ और बाकी 25 नंबर का वो आराम 25-30 नंबर का वहाँ पर निकाल लिया गया होगा, 15 नंबर का आपको पैसेज आ गया था तो वो वाला पार्ट ने काफ़ी हेल्प किया होगा, तो मुझे उम्मीद है बच्चा आराम से 30 मार्क्स तक शायद पहुँच जाएंगे। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे खासतौर से गर्ल्स, वो लिख लेती हैं और वो पढ़ के भी आती हैं ज़्यादा, तो जहाँ तक मेरे ख्याल है मे बी 42 to 45 अगर आप मान लें, इससे कम कट ऑफ दोस्तों रहना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आप OBC हैं इंटरनल हैं कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से अराउंड 39 to 40 के अराउंड रहेगी, इससे कम दोस्तों बहुत मुश्किल है। अगर आप SC हैं इंटरनल हैं दोस्तों तो कट ऑफ मे बी आप SC ST हैं तो आप मान के चलें कि मे बी 37 to 40 से कम दोस्तों मुश्किल। बाकी जो और कैटेगरीज हैं CE है CA है उनके बारे में गैस करना बहुत मुश्किल है। CA में अगर आप हैं तो शायद आपको मे बी 30-35 पे मिल जाए, क्योंकि कम बच्चे होते हैं कुछ सीट्स वहाँ मिल जाती हैं आपको, और CE कैटेगरी के अंदर इंटरनल हैं CE कैटेगरी में तो शायद आपको मे बी 32-35 पे आपको एडमिशन मिल जाए, तो उससे कम पे मिल जाए, वो उनके बारे में गैस करना बड़ा मुश्किल है। तो ये था मेरा गैस, मतलब मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया,
आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी। अगर आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।